ब्लॉक ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विथ एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड ओके इज हिट बाय अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन इट फॉर 0.1 सेकेंड द इम्पल्सिव फोर्सेस इम्पल्सिव फोर्सेस एफ क्या हो जाएगा एफ इज एम डेल्टा मतलब डेल्टा पी इम्पल्सिव फोर्स विच इज क्या बोला है मास दिया है एक्सेलरेशन दिया है फॉर 0.1 सेकेंड मूविंग विथ एक्सेलरेशन ये दिया है तो इम्पल्सिव फोर्स क्या आ जाएगा इम्पल्सिव फोर्स क्या आ सकता है एफ इंटू टी एफ टी एफ कैसे आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी मास कितना दिया है 150 बाय 1000 एक्सेलरेशन कितना दिया है 20 टाइम कितना दिया है 0.1 ये 1.1 से ये चला जाएगा 10 से ये चला जाएगा तो 15 हो जाएगा 30/100 तो 0.3 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा 14 का हो जाएगा आपका सी ओके नेक्स्ट इज इफ द फोर्स ऑफ अ रॉकेट मूविंग विद इन वेलोसिटी 300 मीटर सेकेंड इज 345 द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इज तो आपको अगर कुछ नहीं बोला है तो आप मान लो कि वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो dm बाई dt तो dm बाई dt ही निकालना है हमें इज इक्वल टू एफ कितना है अपना एफ इज 345 अपॉन 300 मीटर पर सेकेंड तो इसको अगर हम लोग किसे डिवाइड कर सकते हैं बहुत अच्छा होगा तो मुझे 5 से लग रहा है चलो 5 6 69 आ गया ये 560 तो 69/60 अगर ये जीरो को साइड में रख दे 6 1 6 फिर 6 1 तो मुझे ऑप्शन डायरेक्टली ये दिख रहा है क्या मुझे लग रहा है यही ऑप्शन आ जाएगा तो 15 का सी इज करेक्ट ऑप्शन क्योंकि अगर मैं ये करूँ 11 पॉइंट कुछ तो आएगा फिर ये और एक जीरो है तो पॉइंट और एक शिफ्ट आगे हो जाएगा तो 1.1 ऐसा एक ऑप्शन है तो डायरेक्ट बिना सॉल्व किए आगे बढ़ जाओ आप मार्क करके आंसर बिना मार्क करके बढ़ोगे तो फिर गए अ सैटेलाइट इन अ फोर्स फ्री स्पेस स्विफ्ट स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट एट अ रेट ऑफ dm बाई dt दिया है अल्फा v द एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट इज देखो बोला है फ्री स्पेस में तो उसका कुछ वेट लगेगा क्या वेट लगेगा क्या उसका f हो जाएगा आपका m इंटू a ओके फ्री स्पेस में ये है तो उसका एक्सेलरेशन पूछा एक्सेलरेशन हो जाएगा f बाई m f क्या हो जाएगा v dm बाई dt और इंटू मास तो dm बाई dt तो हमें दिया है ना अल्फा v स्क्वायर बाय मास अल्फा v स्क्वायर बाय मास कहाँ दिख रहा है आपको 16th का बी हो जाएगा नेगेटिव साइन क्यों बोला है क्योंकि नेगेटिव साइन थ्रस्ट फोर्स इधर है एक्सेलरेशन इधर है तो नेगेटिव साइन इसलिए आ गया ओके नेक्स्ट द फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कॉन्सिक्वेंसिव ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन थियोरेटिकल है ये तो 600 kg rocket is set in a vertical firing. The exhaust speed of gas is 100 meter per second. The mass of gas ejected per second to supply the thrust force. देखो कितना रॉकेट के ऊपर कितना अच्छा अच्छा सवाल और इजी इजी आ रहा है तो आपका रॉकेट है अभी छोटा सा मंगलयान हम लोग को करते हैं ओके उसका वेट है 600 मतलब 6000 नीचे लग रहा है उसका फोर्स कितना होना चाहिए विच इज डी एम बाई डी टी वी डी एम बाई डी टी उसका एग्जॉस्ट स्पीड है 1000 मीटर मतलब वी दिया है जब ये एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे क्या क्योंकि हमें इसमें एक्सेलरेटिंग नहीं दिया तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन जीरो है तो f इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू 6000 आना चाहिए तो डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू 6000/1000 0000 सब कैंसिल तो 6 kg/s ऐसा आंसर आ रहा है 18th का सी ओके पार्टिकल ऑफ मास m इज moving with a uniform velocity v1 it is given an impulse and its velocity become v2 the impulse given is equal to delta delta p तो पहले वो चल रहा था v1 से नहीं final minus initial होता ना तो ये final वाला हो गया ये initial वाला हो गया तो m is v2 minus v1 तो आपका 19th का हो जाएगा d सिंपल है ज़्यादा कुछ सोचने वाली है ही नहीं चीज़ें यहाँ पे देखो टू बॉडीज ऑफ 4 kg 6 kg आर टाइड टू द टू एंड्स ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग द स्ट्रिंग पासेस ओवर अ पुली विच इज फ्रिक्शनलेस सीन इन द फिगर द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी अगर ऐसा कोई सिस्टम आए तो देखो हैवियर मास इधर नीचे मूव करेगा और ऊपर मूव करेगा अब उल्टा मान लो आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा मतलब आपका डायरेक्शन गलत है अगर आपने जो डायरेक्शन माना है उस डायरेक्शन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब
आपने जिस अगर मैंने इधर एक्सेलरेशन नीचे माना और मेरे को नेगेटिव आ गया इसका आंसर, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर है, और अगर आपने ऊपर माना नेगेटिव आ गया आंसर तो नीचे है। ये कुछ ऐसा नहीं है फिजिक्स में, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने साइन गलत लिया, तो क्योंकि साइन पर डिपेंड ही नहीं करता, वो आपके नजरिए आप किधर मान सकते हो। तो इधर देखो एफ बी डी बनाऊंगा अगर मैं, तो इधर 60 नीचे लग रहा है, इधर लग रहा है 40। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू जी, चलो जी के रिस्पेक्ट में ना, तो 6g माइनस 4g अपॉन 10g अपॉन 10g, ओके ये हो जाना चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो 2g अपॉन 10g, सॉरी 2g अपॉन 10g नहीं, नेट वेट आएगा ना, तो g बाई 5 आना चाहिए आंसर, 20 का आ जाएगा b। कैसे किया ये मैंने, देखो जब भी ऐसा कोई सिस्टम रहेगा ना, जब ये पुली एक्सेलरेट नहीं कर रहा रहेगा, पुली एक्सेलरेट नहीं कर रहा रहेगा तभी का बोल रहा हूँ मैं, पुली रेस्ट पे रहेगा तब का, तो पुली एक्सेलरेट, तो इधर नेट फोर्स कितना है 60, मतलब 6g, और इधर क्या 4g, तो ज़्यादा कौन है 6g, 6g ज़्यादा है तो ये नीचे खींचेगा, तो बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन तो पूछा है, तो नेट मास ऑफ द सिस्टम क्या है 10, तो 6g माइनस 4g अपॉन 10 इज इक्वल एक्सेलरेशन, उसको सॉल्व करके आ गया जी बाई 5 इन टर्म्स ऑफ जी बोला है ना। अगर हमको डायरेक्ट आंसर बोलते हैं तो जी को हम लोग 10 डाल के आंसर 2 मीटर पर सेकेंड आता था वैसा। अ टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास 3m एंड m रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट r, स्ट्रिंग को कट कर दिया है, अच्छा ये दिया है यहाँ पे, ओके देखते हैं। तो उसने बोला है जब हम लोग ने स्ट्रिंग को कट कर दिया तो उसके इमीडिएटली बाद दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए ए और बी का पूछा है क्या, बी इंटू ए का पूछा है, ए और बी का पूछा है, ओके तो वो सीरीज में ही आंसर देना है, ये पहले वाला ए का है, ये नीचे दूसरे वाला बी का है, ओके चलो देखते हैं क्या होगा। पहले कट करने से पहले की सिचुएशन देखते हैं, कट करने से पहले तो वो इक्विलिब्रियम में है, तो कट करने से पहले क्या हो जाएगा अपना, देखो कट करने से पहले की सिचुएशन अगर देखें, ये हो जाएगा इधर लग रहा है 3mg इसका, इधर लग रहा है mg इसके वजह से, स्प्रिंग का स्प्रिंग इधर इस पॉइंट पे देखें तो स्प्रिंग को क्या लगेगा, ये तो इसका कुछ मास नहीं, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट करके इस पूरे को 4m का बॉडी मान सकते हैं, तो स्प्रिंग स्प्रिंग के ऊपर लोड कितना है, स्प्रिंग के ऊपर नेट लोड है 4mg का, विच इज इक्वल टू द एक्सपेंशन, तो पहले के केस का ये था, ओके ये फर्स्ट केस में। अगर हम लोग ने इसको कट कर दिया तो ये वाला m क्या होगा, g से गिर जाएगा, इसको कट कर दिया तो g से गिर जाएगा ना, ये और कुछ हो सकता है क्या, ये डायरेक्टली g से गिर जाएगा, तो b का वेलोसिटी तो g होना चाहिए, तो c और d ऑप्शन चलेगा अपने, क्योंकि इसके ऊपर और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, ये सिस्टम से आजाद हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ इसके ग्रेविटी लगेगा और इसका फोर्स एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि फोर्स इसका mg अपॉन g सॉरी अपॉन m इसको जी आ जाएगा एक्सेलरेशन, तो ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट इसका एक्सेलरेशन कैसे निकाले, देखो जैसे ही हम लोग ने इसको कट किया ऊपर तो फोर्स स्प्रिंग 4x ही लगा रहा था, 4kx सॉरी 4kx बोल रहा हूँ, ऊपर फोर्स क्या लगा रहा था, वो ऊपर स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा था उसको थोड़ी ना पता है स्प्रिंग को नीचे क्या आ रहा है, स्प्रिंग तो उतना ही फोर्स लगा रहा है उधर, स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगा रहा था kx, इसका खुद का वेट था 3mg, ओके जब ये इधर चले गया तो ये kx क्या था 4mg, ये 4mg फोर्स ही लगा रहा था, तो 4mg ज्यादा हो गया 3mg से, तो एक्सेलरेशन ऊपर आ जाएगा कुछ, तो क्या आ जाएगा कुछ, तो 4mg मतलब लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मास क्या है 3m, तो 3 डाल दो इधर, m से m कैंसिल, तो 4 माइनस 3 इज g बाई 3 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज g बाई 3, तो ए का जी बाई 3 होगा, इसका ये होगा, तो पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो फोर्स लग रहा था वो स्प्रिंग तो वही लगाएगा कट होने के बाद, बाद में थोड़ा देखो जो आप ये ऐसे स्ट्रिंग स्प्रिंग प्रॉब्लम के लिए आपको याद रखो कि स्प्रिंग इज लेजी, स्प्रिंग इक्वल टू लेजी, कट करने के बाद इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखाएगा, पहले जितना लगा रहा था वो 4mg ही लगाएगा, बाद में थोड़ी देर बाकी जाके उसको पता चला कोई तो चला गया तो वेट हल्का हो गया तो थोड़ा फोर्स कम हो गया, उसको बाद में पता चलेगा, बट जैसे ही स्ट्रिंग कट किया इसका इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो जीरो, क्योंकि इसके ए के नीचे इधर स्प्रिंग है, इधर स्ट्रिंग है, इधर जो एम जी एक्स्ट्रा लग रहा था वो जीरो हो जाएगा जैसे ही स्ट्रिंग कट किया, तो स्ट्रिंग जैसे ही कट किया आपका टेंशन जीरो, बट स्प्रिंग कट किया तो उसका फोर्स धीरे से कम होगा, तो स्प्रिंग इज लेजी ऐसा समझो, स्प्रिंग इज लेजी ये समझना आपको। नेक्स्ट इज थ्री ब्लॉक्स ए बी
और सी ऑफ मासेस, ऑफ मासेस कितना, ये थोड़ा हटाना पड़ेगा यहाँ से, फोर के जी, 4 kg, 2 kg, 1 kg, तो ए बी सी 4 2 1, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, रिस्पेक्टिवली आर इन कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन। इफ अ फोर्स ऑफ 14 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 4 kg, देन द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी पूछा है, तो पहले एफ बी डी बनाओ। पहले तो सबसे पहले इन सबको एक सिस्टम मान लो, क्योंकि चिपक के हैं, एक सिस्टम मान लो, तो पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, 4 + 2 = 6.7, नेट फोर्स कितना लग रहा है, 4, तो एक्सेलरेशन होता है एफ नेट अपॉन एम नेट, नेट एफ कितना लग रहा है, 14/7, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2, तो नेट एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का 2 m/s है। तो अभी ए का एफबीडी बनाओ, ए का एफबीडी बनाओगे तो इधर लग रहा है 14, इधर लगेगा जो नॉर्मल हमें पूछा है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन देम, और ये दो पूरा सिस्टम जा रहा है ए से, 2 से, तो क्या ज्यादा हो जाएगा, ये वाला, ये डायरेक्शन फॉर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला ज्यादा हो जाएगा, 14 माइनस एन इज इक्वल टू मास ऑफ ए कितना है, मास ऑफ ए इज गिवन एज 4 इंटू एक्सेलरेशन इज 2, 14 माइनस 8, ये 8 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू एन, तो एन आ जाएगा आपका 6 न्यूटन, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ले लो, सी आपका आंसर आ जाएगा 6 न्यूटन, तो 22 का आ जाएगा फर्स्ट। ओके, अब ब्लॉक, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1 m2 एंड m3, M1, M2, M3 दिया है। M1 hangs freely and M2 and M3 are on a rough inclined table. The coefficient of friction is mu. The pulley is frictionless and negligible mass. The downward acceleration of mass M1 is. Pulley frictionless है. तीनों का mass same है. तीनों mass same है. इधर देखो, इधर लगेगा M1g. इसका M1g और इसका M1g string के perpendicular है, तो उसको कुछ effect नहीं होगा. तो M1g frictionless table है. तो net acceleration क्या हो जाएगा? Wait. द टेबल इज फ्रिक्शन लेस, द पुली इज फ्रिक्शन लेस, द टेबल का फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यू इज, कोएफिशिएंट म्यू है इसका। ओके, तो हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहां पे क्या आ जाएगा, देखो जब भी इसमें अपोज करेगा, ये दो ब्लॉक्स में अपोज करेगा, ये इधर म्यू क्या लगेगा, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, म्यू इज इक्वल टू इसका मास एम टू जी, नॉर्मल रिएक्शन इसका एम टू जी इधर लगेगा, नॉर्मल इधर लगेगा, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या था, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, तो इस केस में नॉर्मल क्या है, एम टू जी हो जाएगा, इसका फ्रिक्शन 2 हो गया, ये फ्रिक्शन 1 क्या हो जाएगा, म्यू इनटू एम वन जी, ये हो जाएगा, ये दोनों फ्रिक्शन अपोज कर रहे हैं किसको, एम वन जी को, ये दोनों इधर लगेंगे बैकवर्ड में, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एम वन जी माइनस म्यू एम टू जी माइनस म्यू एम वन, सॉरी एम थ्री आएगा, एम थ्री इधर, एम थ्री जी इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास नेट एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू ए एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। सिंस हमें दिया है एम वन इक्वल टू एम टू इक्वल टू एम थ्री इक्वल टू एम, तो सबको एम डाल देंगे, तो हो जाएगा एम जी माइनस म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू 3m इंटू ए, एम से एम से एम कैंसल सब कॉमन लेके, तो जी माइनस म्यू जी माइनस म्यू जी इज इक्वल टू 3 एक्सेलरेशन। अभी g कॉमन ले लो, g माइनस पहले तो 2 म्यू जी कर लो इज इक्वल टू 3a, फिर g कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 3a, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा बस, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 23 का थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 24th, अ बलून विथ मास m इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सच दैट इट स्टार्ट मूविंग अप एक्सेलरेशन विथ a, ए इज लेस देन जी, जी से कम है, तो समझो एक बलून है, उसका मास कितना है, समझो हम लोग ले लेते हैं एम, तो दिया है एम, दिया है वो मास डिसेंडिंग डाउन, मतलब नीचे आ रहा था एक्सेलरेशन ए से, एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रहा था, हमने कुछ मास इसमें से निकाल दिया, समझो एम डैश, तो एक्सेलरेशन ए से चला गया ऊपर, ऐसा कैसे हो गया, तो कितना मास निकालेंगे तो ऊपर चला जाएगा, वो हमें निकालना है। पहले वाले केस में देखो इसका वेट कितना लगेगा, नीचे एम जी, एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, वेट अ मिनट, हाँ इसमें आपको बॉयंट फोर्स भी लेना पड़ेगा, बॉयंट फोर्स भी लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि बलून है तो ऊपर भी एक बॉयंट फोर्स भी लगेगा, जिस जो जाके कैंसिल होने वाला है आगे जाके, उसका चिंता मत करो, बॉयंट फोर्स,
बट एम जी माइनस बॉयंट फोर्स, मतलब हवा की वजह से जो आ रहा है, क्योंकि बलून छोड़ेंगे तो एक साथ नहीं आता, धीरे धीरे हिल हिल के आएगा, तो एम जी माइनस एम इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। अभी यहाँ पे भी बॉयंट फोर्स लग रहा है, तो बॉयंट फोर्स लग रहा है, एक थ्रस्ट फोर्स या बॉयंट फोर्स बोल सकते हो, बॉयंट लिक्विड में बोलते हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में, बट बॉयंट फोर्स का मतलब क्या है, जो ऊपर धक्का देगा। ओके तो गैसेस में भी वो बॉयंट फोर्स एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे बी ज्यादा हो जाएगा, इतना मास निकाला तो बी ज्यादा हो गया, इसका इधर आ रहा है एम वन जी। ओके तो यहाँ पे बी माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम, सॉरी नॉट एम वन जी, एम डैश जी और एम डैश ए। इसमें से हमें बॉइंट नहीं पता, हमें बॉइंट इधर से निकाल के इधर सब्सटीट्यूट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एम जी माइनस ए, इधर से हम लोग सॉल्व करेंगे एम जी माइनस ए आ जाएगा, तो बी इधर से लिख दो एम जी माइनस ए इज इक्वल टू एम डैश जी, सॉरी माइनस एम डैश जी, खाली मैंने इसके जगह पे ये सब्सटीट्यूट किया है, इज इक्वल टू एम डैश ए, ये आ गया एम जी माइनस एम ए माइनस एम डैश जी इज इक्वल टू एम डैश ए। हमें एम डैश निकालना है, और किसके टर्म्स में, एम ए और जी, हमारे पास सब आ गए इक्वेशन में, खाली अभी सॉर्ट करना है इन लोगों को। देखो जी वाले टर्म, जी कॉमन ले लो, तो एम माइनस एम डैश आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, जी कॉमन मत लो, हमें एम डैश चाहिए ना, एम डैश कॉमन ले लो इसमें से, तो इधर से एम वाला कॉमन लो, जी प्लस ए, और एम डैश को इधर भेज देंगे हम लोग, तो एम डैश इधर आ जाएगा, तो जी एम डैश इधर आ जाएगा, तो जी प्लस ए, सॉरी इधर जी माइनस ए आएगा, वही ये जी माइनस ए और ये जी प्लस ए। एम डैश क्या आ गया, एम डैश आ गया इक्वल टू जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए इंटू एम। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, नहीं दिख रहा है वैसा आपका ऑप्शन, तो हम लोग ने किधर तो गलती किया रहेगा, तो लेट्स रीचेक अगेन, तो हम लोग ने क्या मिस्टेक किया है, कुछ भी मिस्टेक नहीं है, हमारा लॉजिक सही है, बट हमें ये क्या मिला, एम डैश का मिला। इन लोग ने क्या पूछा है क्वेश्चन में, इन लोग ने पूछा है द मास शुड बी रिमूव्ड, रिमूव्ड मास के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एम माइनस एम डैश, ओरिजिनल माइनस जो केस वन का मास था, केस टू का था, उसको माइनस करेंगे, एम माइनस जी बाई ए एम अपॉन जी प्लस ए, ये हो गया वो मास। अभी ये हो जाएगा रिमूव्ड मास, तो डेल्टा एम रिमूव्ड, तो एम जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एम जी प्लस एम ए माइनस एम जी प्लस माइनस एम जी, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस एम ए अपॉन जी प्लस ए, इधर एम जी कैंसिल, टू एम ए इज इक्वल टू जी प्लस ए, आ गया हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन। तो मैंने जो मास निकाला था, अगर आप इस केस में अगर आप एम डैश ना लेके एम माइनस एक्स ले लेते या एम माइनस एम डैश ले लेते, तो आपको वो एम डैश का वैल्यू डायरेक्ट आ जाता था, बट मैंने एम डैश लिया है तो मुझे वो बाद में जाके माइनस करना पड़ेगा, तो वो आपके अप्रोच पे डिपेंड करता है। अगर आपको याद नहीं रहेगा और ऐसा कोई ऑप्शन दे दिया इन लोगों ने, तो टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे, अगर ये ऑप्शन नहीं मिला इसीलिए तो हम लोग ने दोबारा सॉल्व किया ना, इसीलिए ठीक है।